तो हेलो गाइस, वेलकम. वी आर सीपा एंड जो एंड वी आर बारबेक्यू. और एक्चुअली आज का ये एपिसोड, इट्स लाइक एन एक्स्ट्रा एपिसोड ऑनेस्टली, बिकॉज वी वर सपोज टू डू, हम कुकिंग करने वाले थे. लेकिन क्या हुआ कि हमें दी शॉक नाम के एक वॉच ब्रांड ने अप्रोच किया और हमारे पीछे ही पड़ गए कि एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करो आपके एपिसोड्स में, कि यू हैव सम रिव्यू कंसेप्ट ऐसे. तो फिर मतलब बिकॉज ऑफ दैट हमने डिसाइड किया कि चलो एक उनके लिए एपिसोड्स कर ही देते हैं. आज तू म्हणतं ते आमचे वॉच आहा पण ते काय ते शॉक प्रूफ, सो आम्ही त्याला शॉक देऊन बोया बोया किती होतं ते मच्छा येतली बाहेरी हा आमच्याकडे बाहेरी. ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू बारबेक्यू एंड वी आर सीपा एंड जो. और आज हमने एक हमें एक वॉच भेजा है दी शॉक नाम के ब्रांड ने, और उन्होंने मुझे लगता है GC880 नाम का जो मॉडल है वो भेजा है उन्होंने हमें. तो देखिए कैसे उन्होंने गिफ्ट पैक वगैरह करके भेजा है, एंड ये रेड रिबन वगैरह लगाया है. लेट्स ओपन दिस एंड सी क्या है इसमें. अरे सीपा, तो गिफ्ट पेपर दिया तो मम्मी परत भी पा गया. अरे क्या साइडिक कर मैं. ओके एनीवेज गाइस, तो ये देखिए उन्होंने ये मैनुअल और ये वारंटी का. ऑनेस्टली बताऊं गाइस, तो इस वॉच को वारंटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है. मतलब मैं गारंटी हूँ कि आई हैव बीन यूजिंग दिस वॉच फॉर लाइक 15 ईयर्स. आई हैव बीन यूजिंग दिस वॉच, देर इज़ नथिंग दैट हैपन्स टू इट. एंड मतलब आई जस्ट टेल यू द स्पेसिफिकेशन, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. दिस वॉच इज़ कम्प्लीटली मतलब ये मतलब वाटरप्रूफ. इट्स कम्प्लीटली वाटर प्रूफ गाइज. मतलब इसको अगर आप पानी में लेके जाओगे ना, मतलब इवन इफ यू गो इन द स्विमिंग पूल, कुछ भी नहीं होता है इस वॉच को. इट्स वेरी वेरी गुड. मतलब एंड इट्स ऑल्सो शॉक प्रूफ, इट्स ऑल्सो कम्प्लीटली शॉक प्रूफ. मतलब अगर आप मतलब इसको शॉक वगैरह दोगे कहीं से तो कुछ भी नहीं होता है. एंड इट्स अनब्रेकेबल, मतलब कम्प्लीटली वेरी वेरी टफ, वेरी रगेड वॉच. एनीवेज, तो अभी हम इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ. मतलब दिस इज द टाइम फॉर द बिग रिवील गाइस. आई होप यू ऑल आर रेडी, क्योंकि दिस वॉच लुक्स रियली, मतलब ये दी शॉक नाम की कंपनी के वॉचेस बहुत अच्छे दिखते हैं. तो आई होप यू आर. अरे उदा काम रहा वॉच ही करे लगा कि उदा कुछ रास्ता है. हाँ उदा कहा नवी वॉच मरे. हाय हाय जो उदा कशा रे ए शिवर ते मरे मैनेजर डिफेक्ट रहतो. तुला बोन झालं कसं काय. मी नाही तू ठेव ना ठेव ना ठेव की बा येतो मी समजा की सर बर बाय बर पाणी आहे रे बाबा पाणी पाणी म्हणून तू आमचे पाणी काढले मरे ते तुका सांगता मी काय केलं. मी नाही ऑर्डर केली ही वॉच, ही सेफ ऑर्डर पैसे याला विचारायला अरे पैसा का क्यों व्यू जाने रहे हो आपको ऐसे पैसे पहले आप ये अबे ये अरे ये क्या बोला ना ब्यूपाची गरज ना अरे ब्यूपाची गरज ना वगैरह छोड़ दो ये दाखो देखा ये देखो ये देख अरे पो तुम किए किए मोड़ा मरे पे क्या घड़ी मतलब क्या टूटा हुआ क्यों मेरे को क्यों
अरे ये वही पार्सल है जो तुषार ने बोला था ना तुम्हें ऑर्डर करके तो तोड़ दिया तुम लोगों ने क्या? We didn't broke it, you broke it. You broke, you broke it. अरे मैंने तो ऑर्डर करके वो पेमेंट करके उसका उसके घर एड्रेस डाला था, वो इसके घर आया होगा ना फूटिंग पोस्ट क्या मतलब हैंग के घर, हैंग के घर अरे इसके साइड ला दूला काय तेरी घर में ला करू इसके घर पे पार्सल पहुंचा होगा अरे इसके घर पे पार्सल क्या? अरे भाई हमारे घर पे पार्सल पहुंचा होगा अरे रुको 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 मुझे पता चल गया कंफ्यूजन मैं सॉल्व करूंगा रुको मुझे पता चल गया ये देखो ये रहा मेरा घर और ये रहा मैं ओके ये रहा जो का घर ये रहा जो मुझे कैब का नंबर आओ कैब गलत आता है ना ओके ऑलराइट फिर ये रहा तुषार और तुषार का घर ओके मी सिंगल फ्लोर जा रहा था माहित नहीं तुला लोन काढून दोन फ्लोर घर बांध ले दोन फ्लोर काढ लो खर्च काढ दोन फ्लोर दोन फ्लोर ओके और ये रहा सैफ और सैफ का घर ओके टॉम को निकालना टॉम खुद रुक टॉम रुक एक कुत्ता मत बोल वो गेट पे खड़ा रहता मेरे टॉम है वो टॉम शेपड़ी वेयर काट देंगे ठीक है ओके तो फिर मैंने बोला था तुषार को पार्सल ऑर्डर करने के लिए करेक्ट ओके फिर तुषार ने बोला सैफ को सैफ ने जो को बोला राइट ओके तो फिर जो तू एंड पार्सल सैफक दिले तुझे पार्सल दिया सैफ ने फिर तुषार को पार्सल दिया करेक्ट और फिर तुषार ने मुझे दिया राइट मुझे दे सेम पार्सल मारे हो गया फिर ए पण हायन काय करू ना ए पहिले सांगता हायन काय करू ना हायन काय करू ना आओ पोई बोलू तू मला कशा बघाला तुला काय मी केले का नाही नाही म्हणायचं काय त्याला तू म्हणता मुझे आज शाम को तुषार ने पार्सल दिया था राइट तुषार ने पार्सल दिया था और आज दिया था आज डेट तीन तारीख है ओके सो तीन तारीख को तुषार ने मुझे पार्सल दिया तो तुषार व्हेन यू गॉट द पार्सल आई गॉट इट टुडे ओनली ही गिव मी टुडे ओनली मैंने दिया था ओके फाइन तुषार यू गॉट सेफ तुम्हें फिर कब मिला पार्सल आज सुबह जो ने दिया था मेरे को हां आई ने दिया था ओके तो फिर डिलीवरी कब हुआ फिर डिलीवरी 1 तारीख झाले बोल ना 1 तारीख ए पण आओ आओ बोलिस आता आपण हायन काय करू ना अरे अरे ते जाणार नाही आम्ही काय चलते तरा और टेंशन घेना सो तुषार What color t-shirt were you wearing today when you gave me the parcel? I was wearing blue t-shirt. Blue t-shirt. Hello. Tushar was wearing blue. क्या नहीं गया? Color t-shirt. Seth, तूने कौन सा t-shirt पहना था जब तू तुषार के पास गया था? अबे पागल है क्या तू? एक तारीख को जो को पार्सल मिला था, okay? तीन तारीख को मुझे मिला. तो दो दिन जो पार्सल लेके क्या क्या कर रहा था? क्या? खिचड़ी के लिए तू? मतलब देना है गैस. किती करू रे तुझो अरे हायन चढ काय करू ना रे मका किती घेतो ना हायन किती केलं माझी हायन ना आव ना हायन काय करू ना एक से तीन तारीख को कहा था तू अरे आव नसलं झालं एक मका किती घेतो तुम्ही आव नसलं तू जा ये तू दोन तारखे दो तारीख को इसका कुछ फॅमिली पिकनिक जैसा था ना वॉटरफॉल या कुछ फार्म हाउस गया था अरे पण हायन तो सर माशी पाच मिनिटं घातलेली होती ते तुम किती आता कैसा आदमी देखो घर का बेदी लंका ढाय जो किधर ट्रिप दिले मारतोय सांगे काय खिचडी करपली चालते ना तुझी करपलेली खिचडी पण खातो ना मी तू केलीस ना खातो ना अरे आता सकाळी आवती विंटर सीजन आता म्हणून बाहेर काढून घेतलं रे हाळ गेली रे आता येताना रेनी सीजन झाला रे इथून माझी किती मिस्टेक तू सांग मला असं कसं बोलती तू बेडा सारखी माझ्या बरोबर माझी चकुली ना तू बर बोल ना माझी एक बात बोल मेरे को अगर मैंने चड्डी का ऑर्डर दिया था ओके चड्डी मतलब अंडरवेयर का ऑर्डर दिया तो वो अंडरवेयर पहन के हमको दे देता क्या तू काकी ले ख्याल ना हां ना रे हां मतलब हां बोल दे देता हां मेरा अंडरवेयर का डिलीवरी होने वाला था यार कल जो का एड्रेस दिया था मैंने हां ते अंडरवेयर डिलीवर
मतलब अंडरवेअर डिलिव्हर मी अरे अरे माझे सगळे अंडरवेअरी वाले असले रे. सो आता ती विंटर सीझनाचे जर रेनी सीझन जाता जाल्यार हितून म्हाजी कितें मिस्टेक.